प्रणाम, आपके अपने यूट्यूब चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। अगर मेरे सामने इस तरह की बयानबाजी होती, मैं सही में पटक के मुंह तोड़ने का काम करता। हमको तो लगता है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए मनोज झा जी, हम लोग कोई मौगा नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं। आपका जवाब हमारा छत्तीस समाज देगा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में एक कविता कहकर बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक कविता के जरिए ठाकुर यानी राजपूतों को लेकर बयान दिया, जिससे जेडीयू बीजेपी के अलावा उनकी ही पार्टी के नेता आनंद मोहन और विधायक चेतन आनंद भड़क गए। बीजेपी विधायक तो मारपीट तक की बात करने लगे, जबकि जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने तो मनोज झा को आग से नहीं खेलने की नसीहत दी। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि ठाकरों ने चूड़ी नहीं पहन रखी है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर राज्यसभा में मनोज झा ने ऐसी क्या कविता कह डाली जिससे बिहार में सत्ताधारी गठबंधन से लेकर विपक्षी बीजेपी तक में आग लग गई। दरअसल मनोज झा ने एक कविता सुनाई, सदन में सुनाई गई इस कविता के बोल थे, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूँ, वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम। इसके बाद तो आनंद मोहन अपनी ही पार्टी आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा पर गरम हो गए। उन्होंने एक टीवी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि महिला बिल के सवाल पर लोगों ने सिर्फ भाषण दिए हैं, आनंद मोहन का खून बहा है, लवली आनंद की गिरफ्तारी हुई है, बातें चल रही थी महिला बिल पर और बात शुरू हो गई ठाकुरों पर। कहां से बीच में आ गया ठाकुर? जो लोग कहते हैं कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, मैं कहता हूं कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो जो पूरे देश को संचालित कर रहा है। मैं खुद कविता लिखता हूं, एक कविता पेश कर सकता हूं। संदर्भ कुछ है, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। आप क्यों नहीं बोलते हैं कि जब चेतन आनंद ने कहा कि हमारा सबसे ज्यादा बलिदान है तो वो गलत नहीं कहा? हमने अखंड भारत की स्थापना एक बार नहीं कई बार की है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते होंगे, हम इतिहास गढ़ते हैं। हमने तो रजवाड़े, रियासतें और जमीनें तक छोड़ दी। पहले आप अपने अंदर के ब्राह्मण को मारें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय बिहार।